आगामी 25 अगस्त से ब्रू शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन होने जा रहा है, लेकिन इन शरणार्थियों में घर लौटने का उत्साह नजर नहीं आ रहा। त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में ब्रू शरणार्थियों के 5,407 परिवार रह रहे हैं। इन परिवारों को मिजोरम वापस भेजा जाएगा। हालांकि अब तक महज 200 लोगों ने ही अपने नाम पंजीकृत कराए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यावर्तन के एक महीने के भीतर पुनर्वास के लिए इन शरणार्थियों को एककालीन सहायता के तौर पर 4,00,000 रुपए दिए जाएंगे। There are 6 refugee camps. Out of 6 camps, officials from Mizoram government started the process of enlistment of the names of refugees who are willing to go to Mizoram from 25th of this month. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूर्वोत्तर राज्यों से घनिष्ठ संबंध था। सन 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेयी त्रिपुरा आए थे, तभी जेल रोड स्थित बनमालीपुर के जीवन कुमार बनर्जी के घर पर ठहरे थे। काफी समय पहले जीवन कुमार बनर्जी का देहांत हो चुका है। उनके भतीजे बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तथा वकील सुजीत बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की पार्टी इकाई खोलने त्रिपुरा आए थे। उस समय वाजपेयी जीवन कुमार के घर पर ठहरे थे। सुजीत ने याद ताजा करते हुए कहा कि वे उस वक्त 8वीं कक्षा में थे और अटल जी से मिलने जीवन कुमार के घर आए थे। अटल जी की बातों ने उन्हें उस समय बहुत प्रभावित किया था। 1980 साल में अप्रैल में जो भाजपा का गठन किया था, उसका बाद हर प्रदेश में उन्होंने दौरा किया। तो 1980 में जून में त्रिपुरा में एक जातिगत दंगा हुआ था, उस टाइम में उन्होंने त्रिपुरा आया और हमारे घर में ठहरा था। और इधर आके भाजपा का स्टेट यूनिट स्टार्ट किया है। हमारे इधर एक मीटिंग हुआ था, हमारा जो एजमाली एक गृह है उसमें 100 से ज़्यादा लोग बैठे थे और उस घर में बैठक हुआ था। मेरा घर पे आया था और इसी घर में, जो घर में मैं बात कर रहा हूँ, इसी घर में तब नया नया हुआ था और एड्रेस लेटिन बाथरूम भी था। उन्होंने इस घर में ठहरा था और मेरे एक दादा, नाम है निखिल गांगुली, उन्होंने अब वो तो अब नहीं रहे, वो केयरटेकर का काम करता था उनका। सिक्किम में इस साल 26, 27 और 28 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट का 10वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए यह एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिक्किम पहली बार मेगा बाइकिंग इवेंट का आयोजन कर रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। आज दक्षिण सिक्किम में इसी के तहत ओपन रोड वैंडरर्स मोटरसाइकिल क्लब ने 2 दिवसीय एडवेंचर इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन किया। This is a kick start, एक शुरुआत है to celebrate the Indian year of adventure 2018, और इसका मकसद ये है कि अगले 2 साल में जितना भी adventure sports है all over India, इसको develop करने का। So that is the main motive behind the today's program. जैसे कि हम लोग biking tourism से associated है, so biking tourism में काफ़ी सारा potential है, enthusiast riders है, endurance riders है, उनके लिए सिक्किम का terrains में ride करना, to explore सिक्किम, सो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और नया डेस्टिनेशन भी होगा। जैसे इसी प्रकार से एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स में और जो एंथुजियास्ट है और हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, सो इसी हिसाब से एडवेंचर टूरिज्म का जो मकसद है कि 2 साल में इसको डेवलप करना है, ये हासिल आसान से हम लोग कर पाएंगे। शिलांग के युवाओं और बच्चों को सुपर हीरो और कॉमिक कैरेक्टर बनने का मौका मिला है, जिससे वे बेहद खुश है। ऑल सेंस हॉल में युवाओं और बच्चों ने कॉस्प्ले में हिस्सा लिया। यह कॉस्प्ले शांग्री लॉ कॉस्प्ले महोत्सव 2018 का दूसरा संस्करण है। इवेंट का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
सभी प्रतियोगियों ने प्लास्टिक और कागज से अपने पोशाक तैयार किए थे। इस इवेंट को मेट्रोपोलिस एशिया और एम्पायर कॉनकॉर्ड के साथ मिलकर आयोजित किया गया। Doing this to uplift the pop culture, you know, the cosplay, the comic books, and you know, and related stuff like that. So the theme is beat plastic pollution. We've always wanted to be like that kind of superhero, right? And so like this is a chance for everyone to connect with their inner childhood again. And not only that, it's like, you know, this is a way to improve our creativity. I'm dressed up as Crystal Maiden. She's a support character and her powers are ice. I've been a fan of anime and gaming for a long time, so I've always been interested, like since when I was young. So many of the teens, they are going through a lot of depression, so we just want to clear up their mind and then have a more fantasy life, and then we really want them to enjoy. I'm one of the Justice League, working along with Superman and Batman as well.